नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एसएससी ने 24,369 रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इस महीने नियमित शिक्षा से जुड़ेंगे 1 लाख से अधिक बच्चे। बिहार के सभी थानों में महिलाओं के लिए अलग हेल्प डेस्क। थम गया उपचुनाव का चुनावी शोर। भारत बनाम बांग्लादेश, जो हारेगा उसकी सेमीफाइनल की राहें होंगी मुश्किल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी ने 24,369 रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल के कुल मिलाकर 24,369 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को मैट्रिकुलेशन पास होने के साथ ही रिक्वायर्ड फिजिकल मेजरमेंट भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस महीने नियमित शिक्षा से जुड़ेंगे 1 लाख से अधिक बच्चे। राज्य के तमाम 38 जिले के करीब 1,35,000 बच्चे को इस महीने नियमित शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। यह वो बच्चे हैं जो पिछले साल स्कूल से बाहर मिले थे, मतलब ये कि इनकी उपस्थिति स्कूल में कहीं नहीं थी। ऐसे बच्चों को हर हाल में इस महीने स्कूलों में नामांकन करवाना है। इससे पहले शिक्षा विभाग अगले ही सप्ताह 6 से 18 वर्ष के वैसे बच्चों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण करने जा रहा है जो बच्चे विद्यालय के बाहर। यह सर्वेक्षण आगामी 5 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगी। इस सर्वेक्षण की तैयारियां सितंबर से ही की जा रही है। राज्य स्तर पर यह जानकारी तो 15 दिसंबर के बाद ही एकत्रित हो पाएगी कि 20 दिनों के इस विशेष अभियान में कुल कितने बच्चे बिहार में आउट ऑफ स्कूल मिले हैं। इसी दौरान इन 1,35,000 बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया जाएगा। समव शरण इस वजह से है बेहद खास। समव शरण वह स्थान है जहां भगवान महावीर ने अपना पहला और अंतिम प्रवचन दिया था। बाद में 48 घंटे तक चली जो दिवाली की रात को समाप्त हुई। राजा नंदीवर्धन को इस स्थान को चिन्हित करने के लिए एक स्तूप का निर्माण किया गया है, जिसके खंडहर अभी भी मौजूद है। यहां 1956 में एक आधुनिक मंदिर का निर्माण किया गया था। यह मंदिर जल मंदिर से 1 किलोमीटर आगे है। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी वर्जित है। समव शरण या समो शरण सभी के लिए शरण, तीर्थकर के दिव्य उपदेश। समव शरण शब्द 2 शब्दों से बना है। समा का अर्थ सामान्य और अवसर का अर्थ अवसर होता है। एक ऐसा स्थान जहां सभी को ज्ञान प्राप्त करने का एक समान अवसर मिलता है। 114 जातियों का सर्वे करेगा अति पिछड़ा वर्ग आयोग। अति पिछड़ा वर्ग आयोग बिहार के सभी जिलों का दौरा कर बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कुल 114 जातियों का फीडबैक लेगा। वो इन जातियों से बात करेगी कि अति पिछड़ा वर्ग को जब नगर निकाय चुनाव में आरक्षण दिया गया तो यह समाज राजनीतिक रूप से किस तरह सशक्त हुआ, कितनी संख्या में अति पिछड़ा वर्ग के लोग आरक्षण के पूर्व नगर निकायों में प्रतिनिधित्व करते थे और आरक्षण के बाद उनकी संख्या कितनी हो गई। अति पिछड़ा वर्ग आयोग का दौरा कर जो अपनी रिपोर्ट बनाएगा उसके तहत पहले जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार होगी। सभी जिलों की रिपोर्ट जब तैयार हो जाएंगे तब उसका विश्लेषण कर राज्य स्तर पर भी रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। बिहार के सभी थानों में महिलाओं के लिए अलग हेल्प डेस्क। बिहार के थानों में महिला फरियादी की सहायता के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाने की कवायद चल रही है। यहां हर वक्त महिला पुलिसकर्मी की तैनाती रहेगी जो महिला फरियादियों की फरियाद दर्ज करने में उनकी मदद करेगी। इस मामले में गृह विभाग ने महिला हेल्प डेस्क को लेकर पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी है। वहीं महिला हेल्प डेस्क को क्रियाशील करने के लिए पुलिस मुख्यालय को राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी नामित करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि पिछली रिपोर्ट के अनुसार राज्य में चिन्हित 500 थानों में करीब 192 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का काम लंबित है। सभी जिलों से थानावार सूची भी विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। खुलेआम मांस मछली बेचने पर पाबंदी लगाने संबंधी याचिका पर हुई सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट में खुलेआम मांस मछली बेचने पर पाबंदी लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें बताया गया कि पटना के राजा बाजार, पाटलिपुत्र, राजीव नगर, बोरिंग कनाल रोड, कुर्जी, दीघा, गोला रोड, कंकड़बाग आदि क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर खुले में मांस मछली की बिक्री होती है। अस्वस्थ और बगैर उचित प्रमाण पत्र के ही जानवरों को मारकर इनका मांस बेचा जाता है, जो कि जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके
बाद पटना हाईकोर्ट में संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम को आधुनिक बुचड़खाने के निर्माण और विकास के लिए कार्रवाई का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। थम गया उपचुनाव का चुनावी शोर। बिहार में हो रहे दो सीटों पर उपचुनाव के लिए बीते दिन शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इससे पहले सभी नेता अपने अपने उम्मीदवार के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे रहे, जिसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान भी शामिल रहे, जहां चिराग पासवान ने भाजपा के लिए जनता से वोट करने की अपील की। बता दें कि मुकामा विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प दिख रहा है। एक और जहां आरजेडी की ओर से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी हैं। वहीं गोपालगंज महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता हैं, जबकि भाजपा ने दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को यहां से उतारा है। इन दोनों सीटों पर मतदान 3 नवंबर को होंगे। वहीं 6 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और उसी दिन नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बीपीएससी ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। बीपीएससी ने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर परीक्षा के लिए कुल 1696 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड और परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.onlinebpsc.bih.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को डाक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी 5 नवंबर से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के 138 पद के लिए मेंस परीक्षा देंगे। बता दें कि इस पद के लिए करीब 11531 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों में कुल 1696 छात्रों का चयन हुआ है, जो अब 5 नवंबर से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के 138 पद के लिए मेंस परीक्षा देंगे। बेड खाली नहीं होने पर भी वापस मरीज को नहीं लौटाएगा आईजीआईएमएस। बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक आईजीआईएमएस अब किसी भी मरीज का बिना इलाज किए वापस नहीं भेजेगा। पटना के आईजीआईएमएस में पहुंचने वाले अब हर मरीज का इलाज होगा। आपको बता दें कि आईजीआईएमएस की इमरजेंसी वार्ड में आने वाले सभी मरीज का डॉक्टर जांच करेंगे और यदि जान बचने के लिए तुरंत कोई उपचार जरूरी है तो वो भी करेंगे। इसके बाद यदि बेड खाली नहीं है तो प्रिस्क्रिप्शन पेपर पर रोगी की पूरी हालत का ब्यौरा देते हुए औपचारिक रूप से रेफर करेंगे। बता दें कि यह निर्देश आईजीआईएमएस के नए निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर बिंदे कुमार ने दिया है। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर और अन्य स्टाफ के लिए इमरजेंसी में आरक्षित पंजीयन काउंटर को भी 24 घंटे चालू रखने का आदेश दिया है। बता दें कि हाल ही में उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने प्रोफेसर डॉक्टर बिंदे को आईजीआईएमएस का निदेशक बनाया था। छठ महापर्व के दौरान डूबने से मौत पर सीएम नीतीश ने जताया दुख। 4 दिवसीय छठ के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों में करीब 40 लोगों की जान डूबने से गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने गहरा दुख एवं संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि अविलंब उपलब्ध कराने का जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। डूबने की संख्या सबसे अधिक कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में है, जहां सबसे अधिक 21 लोगों की जान डूबने से गई है। इस दिन होगी एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में होने वाले दो परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। एसएससी द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा टीयर 1 2022 का आयोजन 1 दिसंबर से 13 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। वहीं आईएमटी में साइंटिफिक असिस्टेंट परीक्षा 2022 सीबीई का आयोजन 14 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। एसएससी ने जारी किए गए नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि परीक्षाओं का शेड्यूल समय समय पर सरकार की ओर से जारी जाने वाली कोरोना गाइडलाइन और महामारी की स्थिति पर निर्भर करेगा। आगे की जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे संप्रदा सिंह की। संप्रदा सिंह एक भारतीय व्यवसायी थे जो अल्केम लेबोरेटरीज के संस्थापक और अध्यक्ष थे, जो भारत में फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और न्यूट्रास्यूटिकल्स का विकास, निर्माण और विपणन करता है। इसका संचालन यूरोप, अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, दक्षिण अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में है। 2017 में संप्रदा सिंह की अनुमानित नेटवर्थ $3.3 बिलियन थी। 27 जुलाई 2019 को उनका निधन हो गया। संप्रदा सिंह का जन्म बिहार के जहानाबाद में हुआ था। उन्होंने 1973 में अपने छोटे भाई वासुदेव नारायण सिंह के साथ एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड की स्थापना की और इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उनके भाई अल्केम के वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं। बिहार में गुलाबी ठंड के साथ गिरने लगा पारा।
बिहार में ठंड ने दस्तक दे दिया है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में ठंड का एहसास होने लगा है। ग्रामीण गर्म कपड़ों में दिखने लगे हैं। सुबह शाम पारा लुढ़क जा रहा है। देर शाम के बाद पारा और गिरने से ठंड बढ़ गई है। लोगों को सिहरन का एहसास हो रहा है। इस बीच अगले 5 दिनों बाद मौसम में बदलाव होने का पूर्वानुमान है। पछुआ हवा का प्रवाह जारी रहने की वजह से इसका असर वातावरण पर दिख रहा है। मौसम शुष्क बना हुआ है। पारा धीरे धीरे गिर रहा है और अगले 5 दिनों तक मौसम के कुछ इसी तरह रहने की संभावना है। नहीं होगी ऑनलाइन पीएचडी की मान्यता। विदेशी शिक्षण संस्थानों की मदद से ऑनलाइन पीएचडी कर रहे लोगों की डिग्री मान्य नहीं होगी। इस संबंध में यूजीसी और एआईसीटीई एक नोटिस जारी करते हुए छात्रों को सतर्क किया है। नोटिस में कहा गया है कि विदेशी शिक्षण संस्थानों की मदद से एडटेक कंपनियों द्वारा ऑफर किए गए ऑनलाइन पीएचडी कोर्स को यूजीसी मान्यता नहीं देगी। बता दें कि इससे पहले भी 2022 की शुरुआत में यूजीसी ने एडटेक कंपनियों के सहयोग से डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड में पीएचडी कोर्स ऑफर करने वाले अपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों को चेतावनी देते हुए कहा था कि फ्रेंचाइजी समझौता स्वीकार्य नहीं है। यूजीसी ने ट्वीट कर कहा कि यूजीसी छात्रों और आम जनता को सलाह देता है कि वे विदेशी शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से एडटेक कंपनियों द्वारा ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्राम के विज्ञापनों के बहकावे में न आए। पेंशन भोगियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। ईपीएफओ ने आज से पेंशन स्कीम में एक बड़ा बदलाव किया है जो करोड़ों की संख्या में पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल ईपीएफओ ने रिटायरमेंट बॉडी फंड ने 6 महीने से भी कम समय में रिटायर्ड होने वाले अपने कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दे दी है। इससे पहले 6 माह के पूरे होने के बाद ही पेंशन निकाले जाने का नियम था। वहीं श्रम संसाधन की ओर से बताया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी ने सरकार से जो सिफारिश की उसमें 6 महीने से भी कम सेवा अवधि वाले सदस्यों को अपने ईपीएस खाते से निकासी की सुविधा दी जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के ग्राहकों को 6 महीने से कम की सेवा बाकी रहने पर सिर्फ अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा राशि की निकासी की ही अनुमति मिली हुई थी। इस दिन राजगीर में बने गुरुद्वारा अतिथिशाला का उद्घाटन करेंगे सीएम। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 553वीं प्रकाश उत्सव राजगीर स्थित गुरु नानक कुंज में 3 नवंबर से 5 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में देश सहित विदेशी पर्यटक भी हिस्सा लेंगे। वहीं नीतीश कुमार प्रकाश पर्व के अंतिम दिन 5 नवंबर को राजगीर के गुरु नानक कुंज में बने 3 मंजिला भव्य गुरुद्वारा और अंतर्राष्ट्रीय अतिथिशाला का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में है। गुरुद्वारा के ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरे तल्ला पर लंगर हेतु बड़ा सा हॉल और तीसरे तल्ले पर गुरु ग्रंथ साहब की मूर्ति स्थापित की गई है। गुरुद्वारा में लिफ्ट की व्यवस्था के साथ ही रैंप और सीढ़ी भी बनाया गया है। वहीं इसके ठीक सामने बने 3 मंजिला अतिथिशाला को अंतरराष्ट्रीय मानक पर बनाया गया है। इसमें 4 AC हॉल एवं 24 वातानुकूलित कमरे का निर्माण किया गया है। राहुल गांधी अपने दूसरे फेज के पदयात्रा में आएंगे बिहार। कांग्रेस के वायनाड सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। उनके पदयात्रा का यह पहला फेज कहा जा रहा है। वहीं दूसरे फेज में राहुल गांधी हिंदी बेल्ट में भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेंगे। इस बीच उनकी यहां यात्रा बिहार के लिए भी होगी जो 17 से 18 दिनों की होगी। लेकिन इसके बाद सवाल यह है कि राहुल गांधी की यह यात्रा बिहार के किस क्षेत्र में होगी कि उसका असर दूर दूर तक हो, इस विषय पर मंथन चल रहा है। राहुल गांधी के दूसरे फेज के पदयात्रा के लिए कांग्रेस जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। पीसीसी अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया कि उन्हें राहुल गांधी की यात्रा के लिए हाईकमान ने टास्क दे दिया है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का भी बिहार दौरा होने जा रहा है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को बताया पेंडुलम। जनसुराज पदयात्रा पर निकले चुनावी रणनीति का प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने नीतीश कुमार को पेंडुलम की संज्ञा दे दी है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को बीजेपी और आरजेडी का पेंडुलम बताया है। दरअसल उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह भाजपा और राजद के बीच लटके हुए रहते हैं, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ। उनके लिए कुर्सी सबसे महत्वपूर्ण है। जदयू का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है। खुले मंच से नीतीश कुमार का पोल खोल सकते हैं सुधाकर सिंह। महागठबंधन सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब बड़े लड़ाई की तैयारी में है। मालूम हो कि कृषि मंत्री रहने के दौरान उन्होंने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि विभाग के अधिकारी चोर और मैं चोरों का नेता हूं। इसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब सुधाकर सिंह 3 नवंबर को दिल्ली में इसे लेकर एक बड़ा ऐलान करेंगे। किसानों के हित में कई सवालों को उठाते हुए नीतीश कुमार की हकीकत भी बताएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुधाकर सिंह नीतीश कुमार का खुले मंच से पोल खोलेंगे। सरकार की तरफ से किसान विरोधी नीति अपनाए जाने को लेकर सुधाकर सिंह अपनी बात रखेंगे।
मोरबी हादसे पर शिवानंद तिवारी का भाजपा पर निशाना। मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे को लेकर राजद ने भाजपा को लपेटे में लिया है। शिवानंद तिवारी ने भाजपा को सबक दिया है और ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी करने से मना किया है। हादसे को लेकर आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि गुजरात के मोरबी हादसे में मरने वालों की संख्या 134 से ऊपर चली गई है। लोगों का मानना है कि यह संख्या और बढ़ भी सकता है। 100 से ऊपर लोग अस्पताल में भर्ती हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि यह एक मानवीय त्रासदी है। इस बात से मैं सहमत हूं कि इसको राजनीति का एजेंडा नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं पर राजनीति करने से भाजपा ने कभी परहेज नहीं किया। चुनावी शोर से दूर सहनी ने थामा बल्ला। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के प्रचार से दूर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी इन दिनों अपने गृह जिला दरभंगा में खेल का आनंद ले रहे हैं। जिले के सुपौल बिरौल में पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने दोस्तों के साथ उन्होंने क्रिकेट मैच खेला। इस दौरान बल्लेबाजी में हाथ आजमाया और जमकर चौके छक्के भी लगाए। बता दें कि सहनी की पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ रही है, हालांकि उन्होंने आरजेडी उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है। भारत बनाम बांग्लादेश, जो हारेगा उसकी सेमीफाइनल की राहें होंगी मुश्किल। टी20 विश्व कप 2022 के 35वें मैच में भारतीय क्रिकेट टीम का सामना बांग्लादेश से आज होना है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को अपने पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका से शिकस्त मिली है। दूसरी तरफ शाकिब अल हसन की अगुवाई में बांग्लादेश ने अपने पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 3 रन से हराया है। यह मुकाबला जीतने वाली टीम इस मेगा इवेंट के सेमीफाइनल की ओर अग्रसर हो जाएगी, जबकि हारने वाली टीम के लिए आगे की राह अधिक कठिन हो जाएगी। दोनों देशों के बीच अब तक 11 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, जिनमें से 10 मुकाबले भारत ने जीते, जबकि हरी जर्सी वाली टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई है। यह मैच आज दोपहर 1:30 बजे से एडिलेड ओवल मैदान में होगा। पलक झपकते ही चार्ज हो जाएगी बैटरी। शोधकर्ताओं ने टाइटेनियम डाइबोराइड की नैनोशीट से खास 2D एनोड मटेरियल तैयार किया है। इसे एनोड की तरह प्रयोग करने से बैटरी की चार्जिंग तेज होगी। यह एनोड बैटरी की क्षमता को भी बढ़ाएगा, जिससे बड़े उपकरणों में भी बैटरी का उपयोग किया जा सकेगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि टाइटेनियम डाइबोराइड की नैनोशीट बनाने की प्रक्रिया बहुत सहज है और यही इसे खास बनाती है। वाणिज्यिक रूप से इसकी उपलब्धता आसान होगी। वायरल खबर में आज बात होगी 10वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 10वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 10वीं के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। पीआईबी ने आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। खान को मिली Y+ सिक्योरिटी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान को अब मुंबई पुलिस Y+ की सुरक्षा देगी। दरअसल हाल ही में कुछ दिन पहले सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा पत्र मिला था, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। सलमान खान के साथ साथ मुंबई पुलिस ने अक्षय कुमार और अनुपम खेर की भी सुरक्षा बढ़ाई है। उन्हें एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। धमकी भरे पत्र में सलमान खान का हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसे करने की बात कही गई थी। इसके बाद सलीम खान की शिकायत पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने सलीम खान और सलमान खान के बयान दर्ज किए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, राजीव कुमार, मोटू रंगीला, रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, अतीक खान, उमेश ठाकुर गुप्ता, दीपक कुमार, शमशाद शेख, रोहित कुमार, के अहिरन, सलमान, राजू, शिवशंकर और बादल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारत बनाम बांग्लादेश, आज के मुकाबले में आपको क्या लगता है? भारतीय टीम जीत के साथ सेमीफाइनल का राह अपने लिए आसान कर पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।